हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और अभी इस समय मैं आया हूँ ज्ञानपुर, जो कि हमारे भदोही जिले में पड़ता है। और आप लोग जानते हैं, जो भी भदोही जिला के रहने वाले हैं तो आप लोग जरूर जानते होंगे। और देखिए, पीछे जो है मंदिर है, हरिहर नाथ के नाम से यह मंदिर विख्यात है। और ये पीछे आप तालाब भी देख रहे हैं, ये काशी नरेश का तालाब है। काशी नरेश इस तालाब को खुलवा के रखे हुए थे और बहुत प्राचीन तालाब है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हाँ, तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है राम जानकी मंदिर है। और सामने जो है ये तो दरवाज़ा बंद है, फिर भी अंदर ले चलने का मैं प्रयास करूँगा। और जैसा कि आप इधर से देख सकते हैं, सब पूरा तालाब है, काशी नरेश का ये तालाब है और बहुत प्राचीन तालाब है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत लंबा तालाब यह है। पूरा जितना भी आप नज़ारा यहाँ से देख रहे हैं, सब जो है, सब पूरा जो है। और यहाँ का पानी बहुत स्वच्छ है। और बाकी इस समय में जो है यहाँ भीड़ भी बहुत काफ़ी रहता है। और चलिए आपको हम मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। मंदिर के अंदर का कुछ यहाँ सामने आप माला फूल ले सकते हैं, यहाँ सब देख सकते हैं। और चलिए अंदर जो है आपको लेके चलते हैं। और अंदर का लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। और बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ बहुत भीड़ भी रहता है। और जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो जैसा देखिए, अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। और बहुत अच्छा भव्य मंदिर है, यहाँ घंटे भी बहुत सारे लगाए गए हैं। और ये मंदिर हरिहर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञानपुर जब भी आप आएंगे तो कचहरी के पास ही ये मंदिर है। और जैसा आप देख सकते हैं, जो है सामने से अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर से पानी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और ठंडी का महीना भी है। और जैसा देख सकते हैं तो, और यहाँ पे अभी तो भीड़ कम है, पर काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहता है। जैसा कभी आप अगर ज्ञानपुर मार्ग पे आए तो एक बार जरूर इस मंदिर के पास आए। ये कचहरी के ठीक जो पुराना कचहरी था पहले का, उसके सामने यह मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे घूमने वाले भी सबसे ज़्यादा। चलिए आपको एक नज़ारा जो है उधर सामने से गीत का दिखा देते हैं। अभी तो ये हरिहरनाथ मंदिर के अंदर हम लेके गए और अभी आपको इधर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे लगभग सभी मंदिरें प्राचीन ही हैं। और देख सकते हैं, यहाँ भी छोटी छोटी मंदिरें हैं। और देखिए, ये जो है शिव का, हनुमान जी का, जो पंचमुखी हनुमान होते हैं उनका ये मंदिर है। और ये देखिए, सामने ये गेट है, आप यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ से मुख्य द्वार है, जो है जैसा कि आप यहाँ से प्रवेश अंदर करेंगे किए हैं। और अभी आपको हम तालाब के पास ले चलते हैं। आप जैसा आप तालाब का नज़ारा कुछ दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे KNPG कॉलेज के नाम से है, तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा घूमने वाले बच्चे ज़्यादा आते हैं। और देखिए, यहाँ पुलिस चौकी भी है। फिलहाल में चलिए हम आपको कुछ तालाब का नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, वकील लोग भी आते हैं घूमने टहलने के लिए, जो है क्योंकि बगल में कचहरी है। और चलिए जो है आपको तालाब का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए अभी मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। जो है तालाब है सामने, देखिए यहाँ से घूमने के लिए यहाँ से रास्ता है, आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस चौकी भी है, कोई सहायता चाहिए तो आप यहाँ पे पुलिस का भी सहारा ले सकते हैं। और देखिए, मार्ग है जाने के लिए, यहाँ से एक मार्ग तो सामने से भी है, आप वहाँ से ही आ सकते हैं। पर अभी तो यहाँ से बंद है। और देखिए, नीचे उतरने के लिए जो है काफ़ी यहाँ पे पानी रहता है बारिशों के समय में। और यहाँ पे सब शौचालय भी है, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा जो है। और काफ़ी बड़ा यहाँ का तालाब है जो है, आप जैसा देख सकते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है शांति महसूस हो रहा है, पर काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहता है जैसा कि। और देखिए, यहाँ से कुछ मंदिर का नज़ारा इस प्रकार से लगता है। सामने यहाँ मंदिर है, कुछ लोग घूमने वाले भी रहते हैं और सब यहाँ पे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बगल में KNPG कॉलेज है, तो बच्चे भी घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। और बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो कैसा रहा? अगर अच्छा लगा यार तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना
दूर तक मैं आया। मेरे यहाँ से ज्ञानपुर मेरे गांव से जो है लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जैसा कि अभी मैं यहाँ पे आया, आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखाया, अगर आप लोग को यहाँ का ये लोकेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए, बहुत प्राचीन ये तालाब है और उससे भी प्राचीन यहाँ का मंदिर है जो है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।